तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह के बज चुके हैं 7, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ 7 बजे। तो मुझे आज जाना है हल्द्वानी, तो मैं रेडी हो चुका हूँ। तो नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं हल्द्वानी को। तो सुबह का मौसम आज ऐसा है, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो कल रात को हुई थी थोड़ा हल्की फुल्की बारिश, तो आज भी बारिश के चांस हैं। अगर बारिश होगी तो बढ़िया रहेगा। नीरज भी उठ गया है, चल नीरज, ठीक है, बाय। तो निकलते हैं हल्द्वानी को। तो नीरज भी अब उठ चुका है, तो टाइम हो चुका है 7:15 बज चुके हैं। तो निकलते हैं यहाँ ऊपर रोड में। बारिश नहीं होनी चाहिए यार, सब ये कह रहा, तो बारिश नहीं है रे, जो है रे जो लोग है के नहीं रहा है। वो हुक्का हुक्का बार 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 हुक्का बार। ए ये शर्मा कैसे लगाई तूने, शर्मा कैसी लगी? किसने भुगाया मच्छर ने? बजा इसको मन्नू, लॉक लागी रही, मतलब ठीक है रहो है, तोड़ तोड़ तोड़। ये है चचा के घर में, तो चचा का कारोबार बड़ा है, बकरियों का भी है, हैं क्रेशर में भी इनका नाम है यार, हर जगह छाए हैं। तो इनकी भी गोभी आ गई है रोड में, तो मुझे जाना है हल्द्वानी, तो इनकी गोभी को भी ले जाना है, गर्म पानी छोड़ना है। तो गाड़ी में 5 लीटर तेल मिला है, तो उसको डालते हैं गाड़ी में। आप तो ये खड़ी है मेरी गाड़ी, तो इसमें डालते हैं 5 लीटर तेल। किधर से रहेगा यार, डब्बा कोई डब्बा दे दिया यार भाई, तेल नहीं नहीं तो डाल दिया यार भाई। फिर अब हल्द्वानी को रेडी हो चुके हैं, चलो बैठो मन्नू उतर अब। कहूँ मैं मल्ली गर्म पानी में, तो यहाँ जैसा उतार रहे हैं अपनी गोभी, तो इनको देनी है पंडित जी को गोभी। पंडित जी और बढ़िया हो रहे हैं? हाँ बढ़िया हो रहे हैं। तो उसके बाद निकलते हैं हल्द्वानी को, आगे पीछे दोनों वाला। तो अभी हम पहुँचे हैं मल्ला गर्म पानी हनुमान धाम, और ये है हमारा शेर के मुँह से पानी आ गया यहाँ से। हेलो पंडित जी, बारिश के छींटे पड़ने लगे हैं, हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है अभी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कैची धाम पे। तो आज जन्माष्टमी की छुट्टी की वजह से ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, आज भीड़ दिख रही है यहाँ पे, आज मार्केट सजी हुई नज़र आ रही है कैची धाम की। हेलो हेलो हेलो, जय हो बाबा नीम कोरोली। यह है बाबा नीम कोरोली का मंदिर कैची धाम, नजर आ रही है आज जन्माष्टमी की छुट्टी है 2 दिन की। तो आजकल बुरी है रोड की हालत, बड़ी खराब, कुंडले खाते हुए जा रही है गाड़ी, बहुत ही गड्ढे मड्ढे हो गए बरसात की वजह से। हल्द्वानी तक ऐसी हो रही है रोड पूरी।
समय हो रहा है 8:30 बजे, तो हम 8:30 बजे पहुंच चुके हैं भुवाली पे। तो यहाँ से कटेंगे घूमकर के लिए। यहाँ पे हो रहा है जाम, अभी सुबह का टाइम है, जाम लगा है। तो अभी हम पहुँच गए हैं भुवाली चौराहे पे। तो यहाँ से कटेंगे भीमताल रोड। तो यहाँ पे लग रहा है जाम, सुबह का टाइम है, जाम लगा है। भीमताल, नैनीताल सब्जी मंडी भुवाली की। तो यहाँ पे चल रही है अभी बोली, गाँव से लाते हैं सामान, तो यहाँ पे लगेगी बोली। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं भीमताल बाजार में। तो अभी जा रहे हैं, तो रोड बड़ी ख़राब हो रही है अंदर भी, यहाँ भी। हूँ छलड़ी पे, तो यहाँ पियेंगे चाय और नाश्ता पानी जो भी होगा। तो सुबह चले थे 7:30 बजे से घर से, तो अभी हो गया 9 बज गए हैं। तो यहाँ 1.5-2 घंटा लग गया आने में। तो यहाँ पे आपको हर जगह जगह पे मिल जाएंगे भुट्टे वाले। तो भाई ने रखे हैं भुट्टे, तो यहाँ पे आग की तैयारी कर रहा है ना भाई, भुट्टा रखा ना। स्कूल नहीं जा रहा क्या? अरे आज छुट्टी है न, कल गया था। अच्छा अच्छा, तो भाई के पास मैं आते रहता हूँ, तो कल ये स्कूल गया होगा, तो आज है छुट्टी, तो उसके लिए बैठ गया अपनी दुकान पे। तो उसके रखे हैं इसमें बैग में भुट्टे उट्टे, तो अभी थोड़ी देर में बेचेगा इनको। तो ठहरने वाले भाई लोग मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो भी लोग आते हैं तो यहीं पे चाय पानी पीते हैं छलड़िया पे। ये लोग हल्द्वानी जा रहे हैं, तो रोज़ का है इनका। तो मैं भी कभी कभी आता हूँ, तो यहीं पर चाय पानी पी लेता हूँ। तो दिखाता हूँ आपको कहाँ पर पीते हैं हम चाय पानी। ये दक्ष है, तो यहीं पियेंगे चाय नाश्ता पानी जो भी होगा। चलते हैं दुकान के अंदर, वो चलते हैं दुकान के अंदर, तो पीते हैं चाय पानी जो भी होगा, छोले समोसे। ये परोठे की तैयारी हो गई है, चचा लोग खाएंगे परोठे, तो बनने वाले हैं परोठे अब थोड़ी देर में। थोड़ा चीनी दे दे यार। इसमें चीनी भी डालोगी अभी? इसमें दही में डालता हूँ। ये चाय तो पी लेते हैं, गर्मा गर्म चाय। आपको जो है नहीं, ये तो नाश्ता कर रहे हैं कल, तो उसके बाद चाय पीने के बाद निकलते हैं हल्द्वानी को। तो यहाँ से अभी 1/2 घंटा और लगेगा हमें वहाँ जाने में, तो चाय पानी पीने के बाद निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। तो चलते हैं अभी हल्द्वानी, तो यहाँ से अभी 1/2 घंटा और लग जाएगा। हम पहुँच चुके हैं रानीबाग। नहीं बोल दे, ये है शीतला देवी मंदिर, इससे आगे हम चलेंगे, अभी काठगोदाम आने वाला है। तो अभी हैं हम रानीबाग से आगे, तो शीतला देवी के मंदिर के आसपास हैं। तो यहाँ पे लग गया है जाम, तो इस जगह का नाम है गुलाब घाटी। तो यहाँ पे लगा है जाम, तो करके जा रहे हैं। तिकोनिया चौराहा है, तो ये हल्द्वानी का तिकोनिया चौराहा है। यहाँ से निकलते हैं हम आगे को, और हमें जाना है बरेली रोड। सिटी में है तो बहुत भीड़ हो रही है, ट्रैफिक ज़्यादा है यहाँ पर अभी। तो बाजार के अंदर मिल गया हमको ट्रैफिक। अभी हम पहुंच चुके हैं बस अड्डा, केमू बस अड्डा और रोडवेज बस अड्डे के पास। तो इससे आगे निकलेंगे हम कालूसाई मंदिर। बहुत
थोड़ा जाम, यहाँ पे स्टेशन है बस अड्डा, तो यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें छोटे मोटे से वाहन, ई रिक्शा रिक्शा वाले देते हैं। समय हो चुका है 11, 11 बजे पहुँच गए हम। अभी मैं हूँ बरेली रोड में, तो मंडी वाली रोड है, यहाँ पे है कोई डेंटिस्ट वाले, तो वहाँ चाची का जरा दांत दिखाना है, चलते हैं जरा चाची को आराम से उतारते हैं, पहले दिखाते हैं डॉक्टर को, उसके बाद जाएंगे फिर आगे जो भी जहाँ भी जाना होगा। बस हो रही है गर्मी से बड़ी हालत ख़राब होगी, ना हवा चल रही है ना। हम पहुंच गए हैं भवानी पे, तो आज होगी लेट हल्द्वानी में बहुत, अभी बजने वाले हैं 6:15 हो चुका है। तो